सुलेमान अलैहि सलातो तस्लीम एक बार सारे जानवरों को तलब किए कि सब के सब हाजिर हो जाएं। सब आ गए, उसमें से एक परिंदा जिसका नाम हुदहुद है, शायद कल की तफसीर में परसों की तफसीर में हमने बताया था, हुदहुद जो पानी में चोंच में पानी रख करके हजरत सुलेमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, तफसीर में उसका जिक्र भी आया है और मेंढक का भी जिक्र है। बहरहाल तो हुदहुद परिंदा जो है नहीं था, गैर हाजिर था। नजरें पहचान लेती हैं अल्लाह के नबियों की कि कौन हाजिर है और कौन गैर हाजिर है। आपने फौरन महफिल में पूछा, फकाल माली ला अरल हुदहुद अमकान मिनल गाइबी, क्या हो गया, मैं देख नहीं रहा हूं, हुदहुद कहां गया है, क्या गायब है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ला उअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, बाद में आएगा तो सख्त सजा दूंगा उसको, औला अज़बहन्नहु, या तो फिर उसको ज़बह ही कर दूंगा, औला यातियन्नी बिसुल्तान मुबीन, या तो फिर कोई माकूल उज्र लेकर के आए कि क्यों नहीं आया था। फमकथ गैर बईदिन, थोड़ी देर गुजरी थी कि वो आ गया, कौन, हुदहुद परिंदा आ गया। फकाल अहत बिमालम तुहित बिही, मैं एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जिसको यहां पर लोग नहीं जानते। जितुका बिनबइन, मैं एक खबर लेकर के आया हूं आपके पास और बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि बताओ क्या खबर लेके आओ। तो हुदहुद ने कहा, इन्नी वजत तुमरातन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम वजत्तुहा व कौमहा यस्जुदून लिश्शम्स मिन दूनिल्लाह, परिंदा बोल रहा है, ऐ अल्लाह के नबी, मैं उड़ते उड़ते एक जगह पर गया था, मैं मफहूम बयान कर रहा हूं, एक औरत को मैंने देखा, वो औरत को बहुत कुछ अल्लाह ने अता किया है, माल और हुकूमत पर वो बैठी हुई है, और उसका भी एक बहुत ही कीमती तख्त है जिस पर वो बैठती है, उसका नाम सबा बिलकीस है, सबा बिलकीस है, और उसके जो मातहत लोग हैं उसकी रियाया, वो लोग सब सूरज की पूजा कर रहे हैं, यस्जुदून लिश्शम्स मिन दूनिल्लाह, सूरज के सामने वो लोग सजदा करते हैं, अल्लाह को नहीं कर रहे हैं। वज़य्यन लहुम शैतानु आमालहुम, और शैतान उनके अमाल उन्हें सजा करके दिखा रहा है। हैरत की बात है, कुफार और मुशरिकीन को देख करके हुदहुद भी ताज्जुब करता है कि अल्लाह के सिवा ही दूसरों की पूजा कर रहे हैं। दुनिया के हर परिंदे को पता है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए, हाँ जो लोग गैरुल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं उनको देखकर जानवर भी ताज्जुब करते हैं, जानवर भी हैरत करते हैं। जैसे कि आपको इससे कबल शायद मैंने बताया हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक देहाती शख्स जंगल की तरफ गया, उसका उसकी बकरी के बच्चे को एक भेड़िया ने पकड़ लिया था, भेड़िया वो पकड़ लिया, तो इसने किसी भी तरह बच बचाव करके भेड़िया से अपनी बकरी के बच्चे को छुड़ा लिया, ले लिया, तो वो भेड़िया ऊपर पहाड़ की चोटी पर जाकर फंसी अरबी में कहने लगा, ए बंदे, मुझे अल्लाह ने जो रिस्क दिया था तूने छीन लिया, जुबान में वो गुफ्तगू करने लगा अरबी। तो ये जो देहाती शख्स था वो हैरत से कांपने लगा, ये कब से हो गया कि जानवर अरबी बात करने लग गए, हैरत की बात है। तो सुनिए वो भेड़िया क्या कहता है, ए नादान, इससे बड़े ताज्जुब की बात तो ये है, अल्लाह का रसूल तुम्हारे दरमियान है और तुम ईमान नहीं लाते। जानवर का अरबी बोलना यह ताज्जुब की बात नहीं, ताज्जुब की बात यह है कि सारी निशानियां तुम्हारे पास होकर ईमान नहीं लाते। तो यानी जानवर भी ये जानते हैं जो लोग शिर्क और बुत परस्ती कर रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं। तो हुदहुद आकर हजरत सुलेमान अलैहि सलाम को इसी खबर दिया कि मैंने एक औरत को देखा है जो हुकूमत कर रही है और लोगों को किसका सजदा करवा रही है, सूरज का सजदा करवा रही है। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं खत लिख करके भेजता हूं, क्योंकि हमारे इल्म में जो भी इस तरह का होगा उसे हिदायत की तरफ बुलाना नबी का काम है। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने खत लिखा जिसकी शुरुआत ही थी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से, अल्लाह के नाम से शुरू
जो निहायत मेहरबान रहमत वाला, अल्लाह तआलू अलैया वातूनी मुस्लिमी, इतना ही लिखा कि तू घमंड मत कर ए औरत, इस्लाम ले आ और मेरे पास आ जा। यहां पर पता चलता है वातूनी मुस्लिमीन, मुसलमानों में आ जा। तो इस्लाम जो है ये इस जमाने का नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम है। सारे नबी जिस दीन की तबलीग करते रहे वो किस दीन की? इस्लाम की। बहरहाल खत लिखा और हुदूद को दिया कि जाओ वो सबा बल्कीस को दे देना। ये हुदूद परिंदा लेकर गया और खत ले जाकर के उसकी महफिल में गिराया। उस औरत ने देखा खत में लिखा हुआ है, सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे कि तू घमंड मत कर, तकब्बुर मत कर और इस्लाम ले आ, और ये बुत परस्ती या लोगों के को सजदा करवाना सूरज का, इसको तर्क कर। तो उसने खत लिया और अपने फौजी जो उसके बड़े बड़े होनिहार लीडर थे उन सबको बुलाकर मशवरा करती पूछती है, कालत या अय्युहल मलउ अफ्तूनी फी अमरी, मेरे इस मामले में तुम लोग क्या कहते हो, बताओ क्या करूं? सुलेमान की तरफ से एक ऐसा लेटर आया है, वो मुझे इस्लाम कबूल करने की दावत दे रहे हैं। तो लोगों ने कहा, कालू नहनु उलू कुव्वतिन व उलू बासिन शदीदिन वल अम्रु इलैकी फंदुरी माजा तअमुरीन। लोगों ने कहा, देखो हम तो बड़ी ताकत वाले हैं, बहुत मजबूत लोग हैं, फिर भी मामला आपकी तरफ है बेगम साहबा, आप जो चाहें वो करें, आपके हुक्म पर हम पाबंद रहेंगे। तो फिर सबा बल्कीस ने क्या कहा, देखो फौजें जब जाती हैं कहीं पर भी तो शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, हम जाएंगे लड़ने के लिए सुलेमान की फौज से तो मुठभीड़ होगी, तो लोगों का भी नुकसान, शहरों का नुकसान होगा। ऐसा करती हूँ कि अगर वो दौलत के लिए कर रहे हैं, नबूवत बहाना बनाकर सिर्फ वो दौलत और बादशाहत कायम करने के लिए कर रहे हो, तो एक बहुत कीमती हदीये मैं उनके पास भेजती हूँ, अगर वो कबूल करके खामोश रह गया तो समझ लेना कि वो सिर्फ टैक्स मांगने के लिए मुझको ये दावत दे रहा है। तो उसने क्या किया, वइन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदीयतिन, बहुत बड़ा हदिया देकर अपनी फौज के साथ भेजा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वो कौम आई और बड़े बड़े तोहफे लेकर के आए, कीमती तोहफे। फलम्मा जा सुलेमान काल अतुमिदूननी बिमालिन फमा आतानी अल्लाह खैरुन मिम्मा आताकुम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम ये छोटे से माल से मेरी मदद करने आए हो, तुमको जितना मिला है उससे कई ज्यादा बेहतर अल्लाह ने मुझे दिया है, ले जाओ इसको। इर्जिया इलैहिम फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिन, अगर वो बाज नहीं आई तो अब मैं अपनी फौज लेकर के आऊंगा और ऐसे उन्हें मजा चखाऊंगा कि फिर कभी न तारीख में सुना होगा पहले और न बाद में कोई सुने होगी। जलाल में आपने फरमाया। फौज वापस गई, जाकर के सबा बल्की से सब सुना दिया कि वो तो बहुत सख्त मामला अपनाए हुए हैं, चलना ही पड़ेगा आपको। अब बेगम साहबा को तैयार कर रहे थे लोग कि हमने उनका जलाल देखा, मलिका सबा बल्कीस को। अब ये लोग गए बल्कीस के पास और बल्कीस ने कहा कि ठीक है हम चलते हैं, सुलेमान से हम खुद जा करके मिलेंगे और बात करेंगे। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये भी खबर आ गई कि मलिका बल्कीस आने वाली, कहाँ रहती थी जानते हैं? यमन में, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फिलस्तीन में थे। यमन और फिलस्तीन का जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, एक अंदाजन, एक तखमीनन बता रहा हूँ, सर्च करके देखेंगे तो पता चल जाएगा, काफ़ी लंबा है। तो वो वहाँ से निकली तो हुदहुद ने बताया था कि एक बहुत ही कीमती तख्त पर वो बैठती है, वो 80 गज लंबा 40 गज चौड़ा तख्त, उस पूरे तख्त को सोने और चांदी से जड़ा गया था, हीरे लगाए गए थे कीमती, और उस तख्त की हिफाजत के लिए वो 7 दरवाजे बनाई थी, हर दरवाजे पर 2-2 पहरेदार रखी थी कि वो दुनिया का कीमती तख्त जिस पर वो बल्कीस बैठती थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ अपनी फौज में, अपनी उम्मतियों में जितने हाजिर थे, कहा, काल या अय्युहल मलउ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, ए लोगों तुम में से कोई है जो उसका तख्त यहां लेकर के आए उसके यहां आने से पहले? बल्कीस वहां से आ रही है यमन से चलकर,
क्या उससे पहले कोई उसका तख्त यहां ला करके देगा? قال, अब सुनिए तरतीब के साथ जो इस सूरे में आया, मैं आज से पढ़ रहा हूं। قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك। जिन्नात भी महफिल में होते थे, इंसान भी होते थे। सुलेमान अली सलाम ने जब ऐलान किया तो एक जिन खड़ा हुआ, सरकश किस्म का जिन था, बहुत ही जिसको कहते हैं बहुत धाकड़ किस्म का, ऐसा जिन खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं लेकर के आऊंगा उसका तख्त उठाकर। कब लाओगे? सुलेमान अली सलाम ने पूछा तो उसने कहा आपकी महफिल खत्म होने से पहले लेके आ जाऊंगा। महफिल खत्म होने में कितना टाइम लगता है? अब तफसीर की महफिल चल रही है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी ना। हाँ, बहुत रात तक तो नहीं चलती है, जाहिर सी बात है। किसी भी महफिल के खत्म होने से पहले लाना, ये बहुत बड़े कमाल की बात है। सुलेमान अली सलाम ने कहा क्या इससे भी जल्दी कोई ला सकता है? जबकि वहां पर मकसद जरूरी नहीं था, महफिल खत्म होने से पहले भी ले आ जाता जिन तो क्या नुकसान, कि बल्कि इसको आने में शायद महीना लगने वाला था। वो यमन से चल करके आ रही है, उसके आने से पहले हजरत सुलेमान अली सलाम ने पूछा था कि ले आओ, लेकिन जिन ने तो यहां तक कह दिया कि आपकी महफिल खत्म होने से पहले मैं ले आऊंगा। अब सुलेमान अली सलाम ने कहा नहीं, और कोई है? अब दूसरा जिन्नात की खत्म हो गई, इंसानों में से एक उठा, हजरत सुलेमान अली सलाम की उम्मत में से थे। قال الذي عنده علم من الكتاب, अल्लाह उस बंदे की सिफत में फरमा रहा है कि उनकी महफिल में बैठा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था। कौन सी किताब? जबूर का, जबूर अल्लाह की किताब का इल्म था। वो बंदा उठा, कहा अना आती कभी कबल अंतद इलैक तरफुक, ऐ अल्लाह के नबी मैं ले आऊंगा वो तख्त। कहा कब लाओगे? कहा आपकी पलक झपकने से पहले। कुरान में यह है, आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। फलम्मा रआहु मुस्तकिरन इंदहु, इतना ही नहीं कुरान में यह बात आई है, अल्लाह फरमा रहा है कि उस बंदे ने कहा तो कि आपकी पलक झपकने से पहले लाऊंगा, फिर सुलेमान अली सलाम ने पलट करके देखा तो वो तख्त ला चुका था। ये कौन? जिन नहीं, जिन्नात में से नहीं, इंसानों में से सुलेमान अली सलाम की उम्मत के एक वली थे जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया, तफसीर में लिखा गया है। तो ये तख्त लाकर रख भी दिए, कितना बड़ा था? 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, इस जमाने के 100 लोग भी नहीं उठा पाएंगे उसको। वो तख्त अकेले तन्हा वो लेकर के आए, 1000 किलोमीटर से दूर का फासला है, वहां से पलक झपकने से पहले लाए। इसी से तो साबित है कुरान पाक में औलिया की करामत का सबूत, क्या औलिया कामिलीन को अल्लाह ने यह तसर्रुफ और यह इख्तियार अता किया है कि वो उनके लिए मौला ताला जमीन को समेट देता है, वक्त को घेर देता है और ताकत को बुलंद बाला कर देता है। वो जो चाहे मौला ताला के हुक्म से दुनिया में कर सकते हैं। अब यहां से अंदाजा कीजिए आप कि वो कौन थे, हजरत सुलेमान अली सलाम की उम्मत के कौन थे? वली थे, इंसान थे। यहां से ये आप सबको मालूम होना चाहिए कि जिन्नात से कई ज्यादा दर्जे कुव्वत अल्लाह ने इंसानों को अता की। फिर चिल्ले कर करके क्यों जिन्नात पकड़ने जाते हैं? नहीं देखते कुछ बाबा लोग कहते मेरे पास जिन्नात है, मेरे पास जिन्नात, क्यों जिन्नात रखे हो? तुम्हारे पास ताकत नहीं है, आप खाली हो, इसके लिए जिन्नात पकड़ रहे हो। सरकार गरीब नवाज रब्बा तआला की सीरत में मैंने अर्ज किया था, वो अपने बगीचे में जब कुरान की तिलावत करते थे सुबह से शाम तक, और रात को जब घर जाते थे तो उनका बागीचा पूरा झाड़ा हुआ होता था, कचरा सब साफ, रोज देखते थे ये कौन करके जाता है। एक दिन रात में बगीचे में रुक गए देखने के लिए, आधी रात गुजरी तो झाड़ने की आवाजें आने लगी झाड़ू की। हजरत सरकार गरीब नवाज फौरन अंदर गए और पूछा कौन लोग हैं जो मेरा काम कर रहे हैं? अगर दोस्त है तो दोस्त से छुपना नहीं चाहिए दोस्त को। तो वो 6 लोग थे जो जाहिर हो गए, 5-6 लोग थे बड़ी बड़ी शक्लों के सफेद लिबास। उन्होंने कहा हम जिन्नात हैं, हम जिन्नात हैं। कहा क्यों, मेरे बगीचे का काम क्यों कर रहे हो? कहा हम बरसों से कुरान पढ़ते थे लेकिन रोजाना आपकी तिलावत सुन सुन करके हमारी तजवीज सही हो गई,
आप जो कुरान पढ़ते हैं उससे हमने अपनी तिलावत सही कर ली, इस हिसाब से आप हमारे उस्ताद होते हैं और शागिर्द उस्ताद का काम तो कर ही सकता है। तो सरकार गरीब नवाज रद्दल्लाहु तआला ने उन लोगों से कहा कि तुम अपने काम पर लगे रहो, मुझे कोई खलल अंदाजी ना करो, खत्म कर दिया। ये नहीं कि मेरे पास जिन्नात काम कर रहे हैं तो अब और भी दूसरा भी काम करा लूं, चार माले की बिल्डिंग भी बना दूं, हाँ देखो वहां से पैसे उठा करके लाओ। नहीं, ये अल्लाह के औलिया बेनियाज थे, उन्हें मालूम था अल्लाह उनसे कई ज्यादा कुव्वत इंसानों को अता की। आपके पास कुव्वत है जिन्नात से ज्यादा, जिन्नात से खौफ ना करो, डरो मत, जिन्नात तुमसे डरते हैं, जिन्नात इंसानों से डरते हैं, और तकरीबन दुनिया की सब मखलूक तुमसे डरती, सब डरते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इंसान का रौब दूसरी मखलूकात में रखा है। तो यहां पर बीच में मैंने ये बात अर्ज की इसलिए कि लोग जिन्नात मुवक्किलीन इनके पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुरान कह रहा है सुलेमान अली सलाम की उम्मत के एक वली में अल्लाह ने वो कुव्वत अता की थी कि पलक झपकने से पहले उन्होंने मलिका सबा बिल्किस का तख्त हाजिर कर दिया। अब यहां से एक नतीजा ये भी निकलता है, सुलेमान अली सलाम बनी इसराइल के नबी, सुलेमान अली सलाम बनी इसराइल के नबी, और हजरत आसिफ बिन बरखिया जो वली है, कौन से किस उम्मत के वली है, सुलेमान अली सलाम की उम्मत के वली, और उनके पास कौन सी किताब का इल्म था, जबूर का। अब इधर अगर हम देखें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत सबसे अफजल उम्मत, और उनके औलिया में सरकार अब्दुल कादिर जीलानी जिनके पास जबूर का इल्म नहीं सीधे कुरान का इल्म हो, तो फिर अगर वो अब्दुल कादिर कह दे कि मैं कब्र पर ठोकर मारूं तो मुर्दा जिंदा हो जाए, सच फरमाया आपने हजरत अब्दुल कादिर जीलानी, आपने जो फरमाया अपने कसीदे में भी और दीगर अल्फाज में भी कि अगर मेरा चाहने वाला मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हो, अगर उसका सतर खुल जाए मैं यहीं से उसकी सतर पोशी करूंगा, हक फरमाया। इसमें लोगों को कुड़न होती है, तकलीफ होती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर जाओ हजरत आसिफ बिन बरखिया से पूछो कि तुमने कैसे तख्त लाया, इनकार हो जाएगा कुरान का, कुरान में जिक्र है ना कि पलक झपकने से पहले, ये अकल में नहीं आती चीजें। एक बात याद रखिए, मौजजा और करामत लोगों की अकल में नहीं आती, तुम्हें तस्लीम करना होगा। बहरहाल जब वो बल्कीस आई, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं, जब आई हजरत सुलेमान अली सलाम के पास, तो हजरत सुलेमान अली सलाम ने अपने लोगों से कहा नक्किरू लहा अरशहा, थोड़ा सा इधर उधर से उसको डैमेज करो, इधर उधर स्क्रैच करो उसको, देखते हैं वो अपने तख्त को पहचानती है कि नहीं पहचानती। नंदुरु अतहतदी मिन अल्लदीन अमला यहतदून, पहचानती है या नहीं पहचानती, देखें। फलम्मा जात कीला अहाकदा अर्शुकी, जब वो आई सुलेमान अली सलाम के पास तो पूछा गया क्या तेरा भी तख्त ऐसा ही है, तेरा भी तख्त ऐसा ही है। कालत फकीलत अहाकद अर्शुकी, कालत का अन्नहु हुआ, ऐसा ही नहीं यही है, ऐसा ही नहीं यही है। तो बल्कीस तो जानती थी उसका तख्त है, यहां कैसे आया। तब फिर सबा बल्कीस को जब ये बताया गया सुलेमान अली सलाम का पावर, सुलेमान अली सलाम की कुव्वत, उनकी महफिल में बैठने वाले एक वली की ताकत, तो सबा बल्कीस ने कहा वह असलम तुम सुलेमान लिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं इस्लाम लाई सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन की जात पर, मैं अपनी गर्दन झुकाती हूं। वहीं पर आकर के आगे हमने सजदा भी किया है, आज सजदे की आयत भी आई थी तकरीबन इसी के आसपास में है। तो बहरहाल मेरे अजीजों, ये वाकया जो हजरत सुलेमान अली सलाम का पेश आया, इसमें कई चीजें हमें इबरत की मिली। हमारे अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक अकायद कुरान से हमें मिलते हैं कि एक वली का तसर्रुफ और इख्तियार उनकी करामत का सबूत कुरान पाक में है, और नबी का सुनना इसका भी सबूत कुरान पाक में है। जब वो चूंटियों की बोलियां सुनते हैं तो नबी अपनी उम्मतियों की बोलियां भी सुनते हैं, उनकी भी बोलियां सुनते हैं जिनको बोलना आता नहीं है। बस हम इसी अकीदे के साथ रहे, अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको मजहब अहले सुन्नत व जमात के सच्चे अकायद पर कायम व दायम रखे, उसी पर खात्मा बिल खैर अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।